हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंकेश शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल अंकेश शर्मा आर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी बनाना सिखा रहा हूँ। मुझे कई मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि हमें गणेश जी बनाना सिखाओ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी चित्र बनाते हैं तो उसमें एक आँख ऊँची, एक आँख नीची, नाक टेढ़ी हो जाती है, एक हाथ बड़ा, एक हाथ छोटा, ये प्रॉब्लम होती है। तो इस परेशानी को ध्यान में रखकर फिर हमें गणेश जी बनाना बताइए, ताकि बिल्कुल मेजरमेंट से गणेश जी हमारे बने। तो आज उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहला काम कि हमें स्केल की सहायता लेनी होगी। अभी मैं फ़िलहाल मार्कर से बना रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाएं ताकि मिस्टेक हो जाए तो इरेज कर सकें। सबसे पहले हमें एक फ्रंट में बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन लेनी है सीधी, उससे हमें मेजरमेंट देखना है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे कि मैंने ये लाइन ले ली है, अब हम इसमें कई जगहों पर हम चिन्ह लगाएंगे, मार्क लगाएंगे, ताकि हमें पता रहे कहाँ आँखें बनानी है। जैसे कि ये हमें यहाँ पर इस लेवल पे आँख बनानी है। फिलहाल इसमें हमें नाक और मुंह नहीं बनाना, क्योंकि गणेश जी की सूंड होती है। तो आँख बनाने के लिए हम ये सीधी लाइन पहले ही इस प्रकार से कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके जस्ट पास में ये पहली आँख और ये दूसरी आँख, इस लाइन से हमें मेजरमेंट हो जाएगा कि आँख कहाँ बनानी है। ना ही ऊपर जाएगी और ना ही छोटी नीचे आएगी। तो ये आंखें बन गई, इनको इस प्रकार से कर देते हैं। गणेश जी का मुंह, आपको ध्यान है, एक एलिफेंट का फेस होता है, तो उसमें नाक और मुंह नहीं बनाना है, सूंड बनेगी। ये आंखें बन गई। उसके बाद यहाँ तक ये राउंड लेना है हमें पहले, ताकि मिस्टेक नहीं हो। ऐसे ये हम राउंड ले लेंगे। उसके बाद हमें सूंड बनानी है, तो यहाँ से उस सूंड को जोड़ेंगे, ताकि बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो। ये सूंड बन गई। अब जो एक्स्ट्रा है, इसे हम साफ कर देंगे, ये क्लीन कर देंगे ऐसे। अब इतना करने के बाद ये दांत, एक टूटा हुआ और एक साबुत, इतना करने के बाद ये ऐसे, ये मुकुट, मुकुट भी लाइन के सेंटर में ही है। इसी प्रकार ये दूसरी लाइन, और फिर ऐसे मुकुट, बिल्कुल फ्री हैंड बनाना है। कई बार क्या है, हम सोचते हैं गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए ऐसे सोचते हैं, और हाथ हमारा कांपता है। अगर मिस्टेक होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होगी तो उसे हम इरेज कर लेंगे। तो थोड़े हाथ को फ्री होकर चलाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये देखिए, ये कान बन गए। अगर आपको कान बनाने में दिक्कत आए तो आप मेजरमेंट से बनाएंगे, जैसे 2 इंच इधर तो 2 इंच इधर मार्क लगा के फिर बनाएंगे, और डायरेक्टली बना सकें तो अच्छी बात। ये यहाँ से हम ऐसे माला पहना देते हैं पहले ही। इतना करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ से ये कंधा, ये दूसरा कंधा, अब उनका जो राइट हैंड है उससे वो आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ से राइट हैंड ये रहेगा। तो इस हाथ को हम ऐसे करके यहाँ कोनी की जगह से मोड़ देंगे और ऐसे कर देंगे, और यहाँ आभूषण पहना देंगे, और यहाँ पर भी। अब क्या करना है, आशीर्वाद दे रहे हैं तो सबसे पास में अंगूठा बनेगा,
बॉडी के पास में सबसे पहले अंगूठा, फिर छोटी उंगली, फिर बड़ी, फिर छोटी और लास्ट वाली सबसे छोटी, ये हाथ बन गया। इसी प्रकार दूसरे हाथ को भी बनाना है तो क्या करेंगे, वही कोहनी की जगह से मोड़ेंगे, आभूषण पहनाएंगे, ये वाला आभूषण भी पहनाएंगे और लड्डू रखेंगे हाथ में। तो 1, 2, 3 और 4, ये उंगलियां आ गई। अब ये लड्डू का कटोरा साथ के साथ बना के, और लड्डू देखो 1, 2, 3, फिर इसके ऊपर 1, 2 और फिर ये लड्डू का बन गया। यहाँ से दोनों तरफ से चेस्ट आएगा ऐसे। अब इस लाइन को हटा देते हैं। चेस्ट आने के बाद ये पेट ऐसे बनेगा। गणेश जी का पेट मोटा होता है, ये ऐसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कमर पर कमरबंद, और अब इनको बिठा देंगे इस प्रकार से। ये एक पैर ऐसे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा पैर ऐसे आ जाएगा, ये नाभि बन गई। और इनके पीछे चक्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो ये गणेश जी बन गए। चाहें तो हम इनके 4 हाथ भी कर सकते हैं और डेकोरेशन और भी कर सकते हैं, डिजाइन फूल वगैरह बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ मैं एक चूहा भी बना देता हूँ, क्योंकि गणेश जी के साथ चूहा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कार्य को अशुभ माना जाता है। तो ये एक चूहा भी मैंने बना दिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगला वीडियो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।